अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज अपना सिक्स सेमेस्टर का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे साथ आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो है कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री 2। तो कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री 2 का कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रही हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग है, इंशाल्लाह आप सबके फोन में ये प्ले भी होंगी। तो जो आज का हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो है इंजरी टू परमानेंट टीथ। हम पढ़ेंगे कि हमारे पास परमानेंट टीथ की तरफ इंजरी किस वजह से आती है और वो इंजरी हमारे लिए आगे जाकर किस तरह से नुकसानदेह हो सकती है और फिर हमने उसको ट्रीट किस तरह से करना है। सो परमानेंट टीथ की इंजरीज के बारे में हम पढ़ते हैं। व्हाट इज इंजरी टू परमानेंट टीथ। इस डायग्राम में आप, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बल्कि कि परमानेंट टीथ की इंजरीज किस तरह से हो सकती है। देखें, एक तो हमारे पास जब एक बच्चे की जब परमानेंट टीथ आ जाते हैं, वो गिर जाता है या फिर जब हम कोई एक्सीडेंट्स में हमारे पास हो जाता है, ब्लू आउट्स में सम टाइप हो जाता है, तो जो परमानेंट टीथ है इनको जो इंजरी लगती है वो डिफरेंट रीजंस की वजह से लग सकती है। तो जब इंजरी लग जाती है तो हम अपना ओरल कैविटी की तरफ जाते हैं कि एक इंजरी में हमारे ओरल कैविटी में किस चीज को नुकसान पहुंच सकता है, कौन सी चीज ट्रॉमाटाइज हो सकती है। तो हमारे पास जो सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज है, सॉफ्ट टिश्यूज में हमारे पास एक गम का एरिया और लिप का एरिया आ जाता है और हार्ड टिश्यूज में हमारे पास टीथ का एरिया है सारा। तो जो हमारे पास टीथ है वो डैमेज हो जाते हैं और हमारे पास जो सॉफ्ट टिश्यूज है वो डैमेज हो जाते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक इंजरी जब लग जाती है तो हमारे पास कौन कौन से उसके नुकसान आ सकते हैं। तो देखें, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो गए जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, टूथ डैमेज हो सकता है, टूथ पे क्रैक्स आ सकते हैं, टूथ फ्रैक्चर हो सकता है, इवन कि आपका टूथ जो है वो सारा बिल्कुल वहां से निकल भी सकता है। तो हमारे पास टूथ भी डैमेज हो जाते हैं और जो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। कॉजेस ऑफ डेंटल इंजरीज के, हमारे पास जो डेंटल इंजरीज है या जो हमारे पास परमानेंट टीथ है इनको जो है इनकी कॉजेस क्या है, किन वजह से हमारे पास जो है इंजरीज हो सकती है। सो ट्रॉमेटिक इंजरीज टू द टीथ कैन अकर एट एनी एज। हमारे पास जो इंजरीज है टूथ की तरफ जो आती है वो किसी भी एज में हो सकती है। आप लोगों ने बच्चों के भी देखे होंगे और बड़ों के भी होते हैं। बड़ों के हमारे पास डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, बच्चों के समटाइम्स ये सर होते हैं कि वो जब चलना फिरना स्टार्ट कर लेते हैं तब वो ज्यादातर गिरते रहते हैं जिसकी वजह से उनके टीथ डैमेज हो जाते हैं। लेकिन खैर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं परमानेंट टीथ की। तो परमानेंट टीथ में हमारे पास किस वजह से जो है टीथ डैमेज हो जाते हैं, वो स्टेज भी बच्चों की हो सकती है जिस स्टेज पे उनके जो मिल्की टीथ है वो एक्सफोलिएट हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं, और जो हमारे पास उनकी जो परमानेंट टीथ है जब उनकी एरप्शन होती है। सो ट्रॉमेटिक इंजरीज टू द टूथ कैन अकर एट एनी एज। Young children learning to walk or falling from a chair are subject to anterior tooth injuries। जो हमारे पास स्पेशली यंग चिल्ड्रन है, जब जिस टाइम पे उनके परमानेंट टूथ एरप्ट हो रहे होते हैं और जिस टाइम पे वो वॉकिंग या की जो है लर्निंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पे ज्यादातर वो उनकी टूथ जो है वो डैमेज हो जाते हैं। और स्पेशली फिर हमारे पास ओरल कैविटी में टूथ में जो है वो ये टू टाइप्स, इंटीरियर टूथ है हमारे पास, कुछ पोस्टीरियर टीथ है। तो वो जो इंटीरियर टीथ है दे आर मोर सब्जेक्ट टू, दे आर मोर प्रोन टू इंजरीज, क्योंकि वो सामने के हैं, वो डायरेक्टली जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं। कुछ रीजन हमारे पास स्पोर्ट्स में भी एक्सीडेंट्स इस तरह के हो जाते हैं, बॉल आके लग गई है हाई स्पीड से, ठीक है, गिर गए हैं, कोई आप एक दूसरे बंदे से लग गए हैं या किसी का हेड आपकी टीथ से लग गया है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के डिफरेंट टाइप्स के एक्सीडेंट्स, फाइट्स में इस तरह हो जाता है कि हमारे पास टीथ जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है। इट अफेक्ट द टीनएजर्स एंड यंग एडल्ट्स, वेयर एज द ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स आल्सो अफेक्ट द ऑल एज ग्रुप्स, ठीक है। सो डिफरेंट रीजंस है हमारे पास जो हमारे पास टूथ को इंजर्ड कर लेते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स की वजह से भी, स्पोर्ट्स के एक्सीडेंट्स की वजह से, फाइटिंग की वजह से भी, और ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स की वजह से भी हो सकते हैं। और ये हमारे पास जो डेंटल इंजरीज है ये किसी भी एज में आ सकती है। प्राइमरी टीथ में भी अकर होती है, परमानेंट टीथ में भी अकर होती है। आप सीढ़ियों से गिर गए हैं, आपका टूथ लग गया है, या किसी चीज के साथ आपका हेड लग गया है, ठीक है, जिसमें आपके पास ज्यादातर आपकी फ्रंट टीथ जो है वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी एज पे हमारे पास डेंटल इंजरीज अक्कर हो सकती हैं। कुछ हमारे पास कॉमन कॉजेज हैं कि ट्रॉमेटिक इंजरीज जो है कौन सी मेन मेन कॉजेज की वजह से हो जाती हैं, जिसमें ज्यादातर आपकी टीथ इन्वॉल्व हो जाते हैं।
विच आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रॉमा, कोई इस तरह का ट्रॉमा जो डायरेक्टली या तो आपकी टूथ के ऊपर आ गया है जिसकी वजह से टूथ इंजर हो गया है, या फिर इनडायरेक्टली आप ट्रॉमाटाइज हो गए हैं किसी चीज की वजह से. सेकेंड वन हमारे पास जो मेन है स्पोर्ट्स एक्सीडेंट्स. स्पोर्ट्स एक्सीडेंट्स में भी हमारे पास तो जो है वो डैमेज हो जाते हैं. एंड द थर्ड वन इज द ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स. देयर आर सो मोर प्रोन बिकॉज ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं बाइक्स पे, गाड़ियों पे, ठीक है, तो जिसकी वजह से टूथ डैमेज हो सकते हैं. फाइट एंड असॉल्ट्स में भी ज्यादातर, ठीक है, जो लोग फाइट्स हो रही में और इस तरह की इसमें वो फिर फाइट स्पोर्ट्स आ जाती है जो कि वो आप लोगों को रेसलिंग उसमें भी ज्यादातर इस तरह हो जाता है. और डोमेस्टिक वायलेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज जिसकी वजह से हमारे पास समटाइम्स तो जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं. सो डेंटल इंजरी कॉज हो सकती है डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से. सो दीज आर ऑल द फॉलोइंग रीजंस और द कॉजेज विच कॉज द ट्रॉमेटिक इंजरीज टू द टूथ, ठीक है. अदर आर द इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ द टीथ. अब इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ द टीथ में क्या आ जाता है, समटाइम्स हम लोग शॉप करते हैं कि देखें हमारे टीथ काफी स्ट्रांग है, हम उस पर बॉटन को ओपन करते हैं, फोर्स लगाते हैं टूथ पे, बहुत ज्यादा टाइट चीजें होती हैं उनको खोलते हैं, या फिर अपने टीथ पे किसी चीज को टेयर करने के लिए कि ये देखें हमारे टीथ काफी शार्प भी है और स्ट्रांग भी है. तो वो जो आप अपने टूथ को इनअप्रोप्रिएटली यूज कर रहे हैं, टीथ हमारे पास जस्ट फॉर मैस्टिकेशन के लिए यूज होते हैं, लेकिन अगर हम अपने टीथ को किसी और चीजों के लिए यूज कर देंगे तो इस तरह तो फिर हमारे टूथ के ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स जाएंगे जिसकी वजह से हमारा टूथ जो है वो इंजर्ड हो सकता है. बाइटिंग हाइड आइटम्स. बाइटिंग हाइड आइटम्स जो है सबसे पहले हमारे पास माइंड में आता है कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ठीक है, जिसको हम अपने दांतों पे तोड़ते हैं. तो हार्ड आइटम्स पे अगर हम बाइट करेंगे तो उसकी वजह से भी हमारे पास टूथ जो है वो इंजर्ड हो सकते हैं और डैमेज हो सकते हैं. तो इन चीजों पे अब आपने ख्याल रखना है, इनको इस तरह से नहीं करना कि हमारे पास हमारी टीथ डैमेज हो जाए, हमने अपने टीथ को प्रिजर्व रखना है. सो कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में आपके पास यही आता है कि आपको रीजंस का पता चले, आपको कॉजेस का पता चले किन वजह से आपकी टीथ डैमेज हो रहे हैं, तो फिर आप उन चीजों से खुद को प्रिवेंट करें. सो यू शुड कंजर्व और प्रिजर्व योर टीथ. सो द नेक्स्ट आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स. व्हाट आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स? वो फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व हो जाते हैं या वो फैक्टर्स जो कि मोर प्रोन होते हैं कि इन पे आपके पास ट्रॉमेटिक इंजरीज के चांसेस काफी ज्यादा हैं. लाइक द फर्स्ट वन इज द इंक्रीज्ड ओवर जेट ऑफ टीथ. जब हमारे पास टीथ में ओवर जेट आ जाता है, एंड यू ऑल नो दैट व्हाट इज ओवर जेट, लेकिन चलिए रिवाइज कर लेते हैं. ऑर्थो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ओवर जेट जो है वो हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास अपर और लोअर टीथ के बीच में हॉरिजॉन्टली एक स्पेस क्रिएट होता है. इट मीन्स कि आपके पास जो अपर टीथ है वो बाहर की तरफ काफी ज्यादा प्रोट्रूडेड होते हैं जिसकी वजह से अपर और लोअर टीथ के बीच में स्पेस होता है, ठीक है. तो जब स्पेस है इट मीन्स कि आपकी अपर टीथ जो इंटीरियर टीथ है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हुए हैं, ठीक है. जब वो प्रोट्रूड हुए हैं तो इस कंडीशन में अगर कोई ब्लो आउट कह लें या कोई फाइटिंग कंडीशन आ गई तो सबसे पहले उसकी वही टीथ डैमेज होंगी क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी जो नॉर्मल पोजीशन से है वो बाहर की तरफ है. सो दे आर मोर प्रोन कि वो वहां पे इंजर्ड हो सकते हैं, फ्रैक्चर्ड हो सकते हैं, ठीक है. सो दीज आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स. सो द फर्स्ट वन इज द इंक्रीज ओवर जेट ऑफ द टीथ. द सेकेंड वन इज द प्रोट्रूजन ऑफ द मैक्सिलरी इंटीरियर टीथ कि जो हमारे पास इंटीरियर टीथ है मैक्सिला के दे आर द प्रोट्रूडेड, ठीक है. एंड द थर्ड वन इज द इनसफिशिएंट लिप क्लोजर. जब हमारे पास पेशेंट की लिप क्लोजर जो है वो प्रॉपर नहीं होती. अब क्यों नहीं हो रही तो वो भी इन्हीं फैक्टर्स की वजह से नहीं हो सकती. सो हमारे पास ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है. आपके पास इंक्रीज ओवरजेट की कंडीशन आ गई, आपके पास टूथ जो है क्यों ओवरजेट है बिकॉज आपके पास जो अपर मैक्सिलरी टीथ है वो प्रोट्रूडेड हो चुके हैं और जिसकी वजह से लिप क्लोजर भी नहीं हो सकती. सो दीज आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स. फिर हमारे पास आ जाते हैं फ्रैक्चर्स ऑफ टीथ कि हमारे पास टीथ के फ्रैक्चर्स में आपके पास क्या क्या इन्वॉल्व है. सो द फ्रैक्चर्स ऑफ द क्रोन ऑफ द टीथ आर जनरली डायगोनल.
इट इन्वॉल्विंग द कॉर्नर ऑफ द टूथ फ्रीक्वेंटली द मीजियली. जब हमारे पास टीथ सबसे पहले जब फ्रैक्चर होते हैं तो ज्यादातर टूथ की कौन सी सर्फेसेज इसमें इन्वॉल्व है, कॉर्नर ऑफ द टूथ जो है वो ज्यादातर डैमेज हो जाता है. फ्रीक्वेंटली हमारे पास मीजियल सर्फेसेज जो है वो टूथ की डैमेज हो जाती है क्रोन की. ठीक है. ट्रॉमेटिक इंजरी से डोंट काज द फ्रैक्चर ऑफ द क्रोन और रूट आर जस्ट एज ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर पल्प इंजरी. वो कंडीशन जिनमें आपके पास क्रोन और रूट तो फ्रैक्चर नहीं हुआ लेकिन वो आपके पास फिर पल्प इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है एज दोज इन विच द क्रोन और रूट इज फ्रैक्चर. ठीक है. वो कंडीशन यानी आपके पास ऐसी कॉज ऑफ द ट्रॉमेटिक इंजरी आ गई है जिसकी वजह से आपका क्रोन या रूट जो है वो फ्रैक्चर नहीं हुआ, तो इट डजंट मीन कि आपका क्रोन और रूट फ्रैक्चर नहीं हुआ तो आपका तो ठीक है. इट मीन्स कि आपका पल्प इंजर्ड हो चुका है. ठीक है. और इफ दे डोंट फ्रैक्चर द क्रोन और द रूट इंपैक्ट ऑफ द ब्लो इज आल्सो ट्रांसमिटेड हेड ऑफ द पल्प. तो फिर हमारे पास वो कंडीशन जिनमें आपके पास अगर क्रोन और रूट फ्रैक्चर हो चुका है तो इट डजंट मीन कि आपका पल्प इसमें इन्वॉल्व है. समटाइम्स पल्प इन्वॉल्व नहीं होता. ठीक है. तो केसेस आपके पास इस तरह हैं कि अगर आपका क्रोन या रूट फ्रैक्चर है तो आपका पल्प जरूरी नहीं है कि वो डैमेज नहीं होगा. अगर फ्रैक्चर है तो हो सकता है कि पल्प फ्रैक्चर डैमेज हो सकता है कि पल्प डैमेज ना हो. लेकिन अगर क्रोन और रूट फ्रैक्चर नहीं है तो हो सकता है कि पल्प भी डैमेज ना हो लेकिन हो सकता है कि पल्प भी डैमेज हो. यानी दोनों कंडीशंस एक साथ भी आ सकती हैं और दोनों कंडीशंस सेपरेट भी आ सकती हैं कि क्रोन ठीक रहेगा लेकिन अंदर से पल्प डैमेज होगा या फिर क्रोन ठीक नहीं होगा तो पल्प जो है वो लाइव और सही रहेगा, वाइटल रहेगा. ठीक है. सो द इन इंजरीज दैट डोंट फ्रैक्चर द क्रोन और रूट द इंपैक्ट ऑफ द ब्लो इज ट्रांसमिटेड हेड ऑफ द पल्प. यानी आपका क्रोन और रूट फ्रैक्चर नहीं है लेकिन आपका पल्प जो है वो उसकी तरफ जो है वो सारा इंपैक्ट जो है वो ट्रांसमिट हो चुका है. यानी आपका पल्प डैमेज हो चुका है लेकिन आपका टूथ और क्रोन जो है वो ऊपर की तरफ से बिल्कुल सही नजर आ रहा है. When receives the full force of the blow, whereas in injuries that cause fracture, the impact is broken as the crown or the root fracture and unexposed pulp is less likely to be injured seriously. So, हमारे पास ऐसी भी injuries हैं जिसमें आपके पास crown और root भी broken हो सकता है, साथ में आपका जो pulp है वो भी sometime likely to be injured हो सकता है. ठीक है. तो इस slides की जो summary है वो इन तीन बातों में है. ठीक है. कि आपका टूथ जो है वो डैमेज नहीं है ऊपर से लेकिन हो सकता है कि पल्प डैमेज हो. आपका सेकंड, आपका टूथ जो है वो ऊपर की तरफ से डैमेज है यानी फ्रैक्चर आया है या फिर क्रैक्स आए हैं लेकिन हो सकता है कि आपका पल्प अंदर से डैमेज ना हो. और थर्ड कंडीशन ऐसी हो सकती है कि क्रोन और रूट ऊपर से फ्रैक्चर हो और साथ में पल्प भी जो है वो थोड़ा बहुत डैमेज हो. ठीक है. यानी या एक की कंडीशन आएगी या फिर दोनों की कंडीशंस आ सकती हैं. फिर हमारे पास एक टर्म है कंकशन. वैसे तो कंकशन जो है ये एक माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है जिसमें इस तरह हो सकता है कि हमारे पास हेड पे कुछ इस तरह से लग जाए कि हमारा बिल्कुल वो सर घूम जाता है, हमारा ब्रेन जो अंदर है वो हिल जाता है, बैक एंड फोर्थ पोजिशन थोड़ी कर लेता है जिसकी वजह से वो हम उसको कंकशन कहते हैं. लेकिन अगर हम टूथ की बात करें कि टूथ में कंकशन किस तरह होगा तो टूथ भी तो उसी तरह है कि आपका टूथ है उसके ऊपर डायरेक्टली एक फोर्स की चीज आई उसके ऊपर लगी तो लेट्स सी कि उस टूथ में क्या होता है फिर. सो द कंकशन ऑफ द टूथ विद और विदाउट फ्रैक्चर. यानी टूथ क्यों कंकशन हुआ लेकिन उसमें या तो फ्रैक्चर हुआ या फिर फ्रैक्चर नहीं हुआ. सो विद और विदाउट फ्रैक्चर इट मे डैमेज द ब्लड वेसल ऑफ द पल्प. ये आपके पल्प को डैमेज कर सकता है. हमारे पास पल्प में क्या प्रेजेंट है तो आपके पल्प में ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं. ठीक है. तो ये आपकी ब्लड वेसल्स को भी डैमेज कर सकता है जिसके रिजल्ट में ब्लड से हमारे पास वहां पे हैमरेज कंडीशन आ जाती है या फिर एक्स्ट्राविजेशन हो जाती है एरिथ्रोसाइट्स की इनटू द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स. हैमरेज कंडीशन आप सब जानते हैं कि हैमरेज हो गया, ब्लड वेसल्स जब डैमेज हो जाते हैं तो वहां पे हैमरेज कंडीशन भी हो सकती है. एक्स्ट्राविजेशन इज द लीकेज ऑफ द फ्लूइड. तो हमारे पास किस चीज की लीकेज हुई, एक्स्ट्राविजेशन हुई, वो हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स की हुई और वो हुई हमारे पास डेंटिनल ट्यूब्यूल्स में उसकी हो गई. मोस्ट केसेस में हमारे पास क्रोन जो है वो डिस्कलर्ड हो जाता है. ठीक है. जब टूथ कंकशन हुआ या फिर फ्रैक्चर हुआ या फिर नहीं हुआ लेकिन जो अंदर का पल्प है
वो कंकशन की वजह से वहाँ हेमरेज कंडीशन की, वहाँ की जो एरेथ्रोसाइट्स है वो एक्स्ट्रावेजेट कर गए हैं या फिर लीक कर गए हैं डेंटिनल टिब्यूज में। जब वो डेंटिनल टिब्यूज में चले गए हैं तो हमारे पास जो टूथ की कलरेशन है, वी नो डेट कि इट्स बिकॉज ऑफ द डेंटिन। तो जो डेंटिन में इस तरह की एक्स्ट्रावेजेशन आ गई है तो हमारा क्रोन जो है वो फिर डिसकलर्ड हो जाता है। जब क्रोन डिसकलर्ड हो जाता है तो इसमें हमारे पास पल्प जो है इट इवेंचुअली डाइज, ठीक है, आपका पल्प फिर वहां पे डाई करके पल्प नेक्रोस हो जाता है। बट इन रेयर केसेस द पल्प रिमेन वाइटल इवन थ्रू द क्रोन इज डिसकलर। लेकिन कुछ ही केसेस इधर हो सकते हैं कि आपका टूथ डिसकलर्ड नजर आए लेकिन आपका जो पल्प है वो वाइटल रहे। इस केसेस में हमारे पास ज्यादातर पल्प जो है वो नेक्रोस्ड रहता है, वो हमारे पास वाइटल नहीं रहता। लेकिन बहुत रेयर केसेस में इस तरह से हो सकता है कि आपका पल्प जो है वो वाइटल रहे, ठीक है। जो हमारे पास आप लोगों ने इस तरह की टूथ देखे होंगे कि समटाइम्स डिसकलर्ड होते हैं, यानी ब्लूइश पर्पलिश कलर के टाइप होते हैं, तो उसी से आप अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है, कि इस टूथ में कंकशन हुई है और उस टूथ की पल्प की जो है वो पल्प डैमेज है, उस पल्प का जो है ब्लड वेसल्स है उसमें हैमरेज कंडीशन आ गई है और वहां से जो उसके एरिथ्रोसाइट्स है वो डेंटिनल टिब्यूज में चले गए हैं, जिसकी वजह से हमारा डेंटिन जो है वो टूथ को डिसकलरेशन दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैक्चर ऑफ द रूट्स, की रूट्स में किस तरह की फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो दे आर मोर कॉमनली हॉरिजॉन्टली रूट फ्रैक्चर हो सकता है, डायगोनली भी रूट फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, और वर्टिकली भी हमारे पास रूट फ्रैक्चर हो सकता है, बट द मोर कॉमनली इज द हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। अब रूट की फ्रैक्चर में कौन सी रूट की फ्रैक्चर जो है, हमें पता है कि अगर हम एक रूट पार्ट को डिवाइड करें, वी नो डेट हम मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ लेते हैं कि हमारे पास टूथ की रूट की जो है हमारे पास थ्री पार्ट्स आ जाते हैं, एपिकल थर्ड है, मिडल थर्ड है और सर्वाइकल थर्ड है। जब हमारे पास इन तीनों पार्ट्स में रूट कहाँ कहाँ पे जब फ्रैक्चर होगा तो उसकी जो है वो प्रोग्नोसिस अच्छी आएगी या फिर नहीं आएगी। व्हेन द रूट फ्रैक्चर एट द एपिकल थर्ड ऑफ द टूथ द प्रोग्नोसिस इज बेटर, बिकॉज आपका टूथ जो है वो बिल्कुल नीचे एपिकल पार्ट पे जो है वो वहां पे डैमेज हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, तो उसकी प्रोग्नोसिस हो सकती है। देन व्हेन इट फ्रैक्चर्स नियर द मिडल और सर्वाइकल, लेकिन अगर आपका टूथ मिडल और सर्वाइकल थर्ड पे फ्रैक्चर हो गया तो वहां भी इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है, बिकॉज द मिडल और द सर्वाइकल हैज अ लेस एल्वोलर सपोर्ट, ठीक है, उनकी सपोर्ट जो है वहां पे लेस एल्वोलर सपोर्ट है टूथ की फ्रैगमेंट्स के लिए और वहां पे हमारे पास टूथ की मोबिलिटी भी ग्रेटर है। सो अगर हमारे पास रूट जो है वो हमारे पास एपिकली पार्ट पे फ्रैक्चर हो चुका है तो हम उसको जो है वो जल्द वहां पे ट्रीट कर सकते हैं और उसकी प्रोग्नोसिस जो है वो अच्छी है, ठीक है, लेकिन सर्वाइकल और मिडल थर्ड उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है। रीजन इज द लेस एल्वोलर सपोर्ट एंड देयर इज मोर मोबिलिटी ऑफ द टूथ। इन केसेस ऑफ रूट फ्रैक्चर द टूथ मे बी एंटायरली कंफर्टेबल और इट मे बी टेंडर टू मास्टिकेशन। अगर आपका रूट फ्रैक्चर हो गया तो आपको तो बिल्कुल फील नहीं होगा, यानी आप कंफर्टेबल भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी रूट फ्रैक्चर की वजह से जब आप उस एरिया पे मास्टिकेशन करते हैं तो वहां पे आपको टेंडरनेस की फीलिंग आ जाती है, वहां पे आपको पेन फील होगा, विच डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड द सेवेरिटी ऑफ द ब्रेक, कि आपका एपिकल जो है वो फ्रैक्चर जो है वो ब्रेक जो है वो कितना सवेयर है और किस लोकेशन पे है, ठीक है। अगर इस तरह की लोकेशन पे है, फॉर एग्जाम्पल पोस्टीरियर पे हम ले लेते हैं और पोस्टीरियर पे वहां पे फोर्सेस मास्टिकेशन की आ रही है और ज्यादा फोर्सेस आ रही है तो वहां पे टेंडरनेस की फीलिंग ज्यादा होगी, पेन ज्यादा होगा, इंस्टेड ऑफ हम बीच के एरिया का कह दें। लेकिन अगर इंटीरियर पे की बात करें तो वहां की भी लोकेशन इस तरह की हम बाइटिंग फोर्सेज यूज करते हैं, बाइटिंग करते हैं, तो वहां पे भी हमारे पास टेंडर की फीलिंग आ सकती है। प्लस हमारे पास सेवेरिटी ऑफ ब्रेक की बात है कि डिपेंड करता है कि आपका जो एपिकल थर्ड पार्ट है तो रूट का वो फ्रैक्चर कितना हुआ है, कितना सेवेयरली ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है रूट फ्रैक्चर। फिर हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमारे पास जो टूथ की जो इंजरीज है इनको हमने क्लासिफाई किया हुआ है 6 बेसिक ग्रुप्स में, ठीक है, जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द इनेमल फ्रैक्चर की बात करेंगे। इस इंजरी ये हमारे पास सारी वो ट्रॉमेटिक इंजरीज हैं जो परमानेंट टूथ को आ सकती हैं, ठीक है, थीके? तो 6 ग्रुप्स में है वन इज द इनेमल फ्रैक्चर, सेकेंड वन इज द डेंटिन फ्रैक्चर विदाउट पल्प एक्सपोजर, यानी डेंटिन फ्रैक्चर हो चुका है लेकिन वो पल्प की तरफ नहीं गए या पल्प की एक्सपोजर नहीं हुई। द थर्ड वन इज द क्रोन फ्रैक्चर विद द
पल्प एक्सपोजर, आपका क्रोन जो है वो फ्रैक्चर हो चुका है, जिसकी वजह से वो पल्प तक भी पहुंच चुका है, उसका पल्प तक एक्सेस हुआ है, प्लस पल्प इज आल्सो एक्सपोज्ड इन दिस केस। द फोर्थ वन इज द रूट फ्रैक्चर, रूट फ्रैक्चर हो गया है टूथ की लगजेशन, लगजेशन इज द डिसलार्जमेंट ऑफ द टूथ, ठीक है, टूथ की अपनी नॉर्मल पोजिशन से जब डिसलार्जमेंट हो जाती है, दिस इज द लगजेशन। सो टूथ की लगजेशन हो गई है क्यों, किसी ऐसी ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से कि आपका टूथ जो है वो अपनी नॉर्मल पोजिशन से लगजेट कर गया है। एंड द टूथ इंट्रूजन, सो द टूथ इंट्रूजन इज द when your tooth is apically displaced हो गया है, ठीक है, वो apical की तरफ जो है वो ज्यादा चला गया है। तो tooth intrusion इस सब के बारे में हम आगे जाकर डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक दूसरी क्लासिफिकेशन है जो कि हमारे पास साइंटिस्ट एलिस एंड डेवी ने दी है। द एलिस एंड डेवी क्लासिफाई द क्रोन्स फ्रैक्चर्स इनटू यूजफुल, इन्होंने फ्रैक्चर्स को क्लासिफाई किया है ताकि हमारे लिए ये यूजफुल हो कि हम उस डैमेज ऑफ द क्रोन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कर सकें, ठीक है। यानी इन्होंने हमारे लिए इजी बयान बनाया है कि आप क्रोन की जो डैमेजिंग है उसकी एक्सटेंशन के मुताबिक आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकें कि हाँ इस पेशेंट को ये वाली क्लास फ्रैक्चर है या ये वाली क्लास फ्रैक्चर है। सो इन्होंने हमें फोर क्लासेस दी है, इन विच वन इज द सिंपल फ्रैक्चर ऑफ द क्रोन इन्वॉल्विंग लिटल और नो डेंटीन। द क्लास वन जो है इट इज द सिंपल फ्रैक्चर, ठीक है, जस्ट आपका क्रोन इसमें इन्वॉल्व है, इसमें आपका डेंटीन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर हुआ भी तो थोड़ा बहुत होगा। द सेकेंड क्लास इज द एक्सटेंसिव फ्रैक्चर ऑफ द क्रोन, यानी क्रोन की इस तरह की फ्रैक्चरिंग हो गई है जिसमें आपका डेंटीन भी इन्वॉल्व हो गया है, सो दिस इज द क्लास टू फ्रैक्चर, ठीक है। तो क्लास टू फ्रैक्चर में आपका डेंटल पल्प नहीं इन्वॉल्व और क्लास वन में आपका डेंटीन नहीं इन्वॉल्व, सो क्लास वन इज अ सिंपल फ्रैक्चर व्हाइल द क्लास टू इज द एक्सटेंसिव फ्रैक्चर ऑफ द क्रोन इन विच इन्वॉल्व्स द डेंटीन। क्लास थ्री इज द एक्सटेंसिव फ्रैक्चर ऑफ द क्रोन विद एन एक्सपोजर ऑफ द डेंटल पल्प, कि आपके पास क्रोन फ्रैक्चर हो चुका है लेकिन इसमें अब आपके पास पल्प की भी इन्वॉल्वमेंट आ गई है, सो विद एन एक्सपोजर ऑफ द डेंटल पल्प। एंड क्लास फोर इज द लॉस ऑफ द एंटायर क्रोन, यहाँ पे आपका पूरा क्रोन जो है वो लॉस कर गया है। तो जब अब पेशेंट क्लिनिक में आएगा और अगर आप एलिस और डेवी की क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हैं और आप पेशेंट की कंडीशन देख लें और देखें कि इस पेशेंट को जो है क्रोन फ्रैक्चर किस क्लास में आता है, तो अगर सिंपल फ्रैक्चर है तो यू शुड राइट जस्ट क्लास वन, इफ ही और शी हैज द एक्सटेंसिव फ्रैक्चर विद द एक्सपोजर ऑफ द या विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डेंटीन देन द क्लास टू, और विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पल्प देन क्लास थ्री, और इफ द लॉस ऑफ द एंटायर टूथ then just write class 4, okay? तो आज के लिए इतना enough है, इंशाल्लाह हम इन सारी classes जो हमारे पास classification थी जो हमने 6 groups की पढ़ी, इन सब के बारे में हम फिर detail से पढ़ेंगे next lecture में। Thank you, और if you have any question regarding lecture, please feel free to ask me, okay? Thank you.